दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर। जिला कांगड़ा निजी स्कूल के प्रवक्ता जसवंत डडवाल ने सरकार से मांग की है कि 50% स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दी जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। साथ ही बसों के टैक्स व इंश्योरेंस भी एक साल तक ना ली जाए क्योंकि इस समय उनका भुगतान करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि निजी शिक्षण संस्थानों में अधिकतर सक्षम परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, अतः सरकार फीस न लेने के लिए दबाव न बनाए क्योंकि अगर स्कूल फीस नहीं लेंगे तो अपने अध्यापकों को पगार कहां से देंगे। उन्होंने मांग उठाई है कि अगर जिला के किसी भी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे या फिर किसी अपंग असहाय के बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी फीस नहीं ली जाएगी। जो देने योग्य है उनको जो है वो सरकार उनको बताए, गाइडलाइन जारी करे और बीपीएल परिवार के या जो गरीब ये है सरकार एक बार आदेश निकाल दे कि बीपीएल परिवार से कोई फीस नहीं लेगी तो हम उनको 2 या 3 महीने की फीस उसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बस मेरी यही सरकार से प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो हमारा जो व्यथा है या प्राइवेट स्कूलों की जो व्यथा है उसको सरकार उसके ऊपर गहन कड़वा सच सरकार को ये बताना चाहता हूं और मुख्यमंत्री से जिसे या शिक्षा मंत्री जिसे या बोर्ड के चेयरमैन जी जो हमारे हैं डॉक्टर सुरेश जी उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि एक कड़वा सच है जिसको सब जानते हैं कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल है प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब बच्चे या बीपीएल परिवार के बच्चे बड़े कम हैं। हमारे पास जो 75% से ऊपर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में या नेताओं के पढ़ते हैं, सरकारी अधिकारियों के पढ़ते हैं, कर्मचारियों के पढ़ते हैं, हमारे जो आर्मी पर्सन है फौजी भाई है उनके पढ़ते हैं, पुलिस वालों के पढ़ते हैं, पैरामिलिट्री वालों के पढ़ते हैं, अच्छे व्यवसायियों के पढ़ते हैं, अच्छे व्यापारियों के पढ़ते हैं, बड़े दुकानदारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ये सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि क्या सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को जो है उनको सैलरी देना बंद कर दी है, उनको अनाउंसेस नहीं मिल रहे, सरकार उनको एजुकेशन अनाउंस दे रही है, सबको सैलरी सरकार दे रही है, पेड कर रही है। रहेगी कि वो हमारी जो ये 3 मांगे हैं, मैंने छोटी सी 3 मांगे रखी है, स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 50% स्टाफ के साथ अनुमति, हमारी स्कूल बसों के जो टैक्सेस हैं, हमारे जो प्राइवेट स्कूल है इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार हमें एक प्रिंसिपल, क्लर्क, एक पीएम और इसके साथ 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की 9 से 2 बजे तक की अनुमति प्रदान करे तो हम उस टीचिंग स्टाफ से अपने जो हमारे जो स्कूल के जो ब्लैक बोर्ड हैं, जो हमारा दूसरे एजुकेशन के जो उपकरण है या कंप्यूटर लैब का सहारा लेकर के स्मार्ट क्लासेस रूम का सहारा लेकर के हम बच्चे को अच्छे वीडियो बना करके उनके उनको घरों में भेज सके जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो पहली मांग तो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल की स्कूल बसें हैं वो 20 मार्च से खड़ी है और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी वो बसें जो हैं वो 50% पैसेंजर को कैरी करने के अलावा या स्टूडेंट्स को कैरी करने के अलावा उनको अनुमति मिलेगी। तो ये 2 या 3 महीने और क्रूशियल जाने वाले हैं। तो हमें लग रहा है कि हम अपनी स्कूल बसों को पूरा साल कैरी नहीं कर सकते। अगर हम पूरा साल स्कूल बसों को कैरी करते हैं तो उसके खर्चे हम स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल जो है नहीं निकाल सकते। तो हमारी बसें जो है वो रोड के ऊपर नहीं है, वो स्कूल में खड़ी है। अगर हमारी बसें रोड के ऊपर चलेगी नहीं तो हमारा जो टोकन टैक्स है, हमारा जो पैसेंजर टैक्स है, जो इंश्योरेंस है, ये सब जो है, ये स्कूल बसेस की जो लोन की किस्तें हैं उनकी भरपाई करना जो प्राइवेट स्कूलों की बस की बात नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे सरकार और इसको माफ करे या इसके लिए कुछ जो भी सरकार की गाइडलाइंस है हमें राहत दे। नहीं जी, स्कूल फीस नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपके पत्रकारिता के माध्यम से हमारे जो दुख दर्द है मैं वो अपनी जो हमारी जो व्यथा है वो हमने आपको बता दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है, आप पत्रकार बंधु जो है, जो कि इस मुद्दे को
एक औषधि बैग में लेके जाएं, हमारे प्रति जो है एक अच्छी एक सोच रखें कि ये वो प्राइवेट स्कूल है या वो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं जो कि बीएड किए हुए हैं, क्वालिफाइड है, उनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली है, उसके बाद उन्होंने तीन चार चार लोगों ने इकट्ठे होकर के लोन लेकर के फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, स्कूल बसों के 70-70 लाख रुपए लोन है, मेरे मित्र है 70 लाख रुपए लोन है बसेस का, वो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे लोग, सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए और सभी पक्षों को। और मैं एक चीज बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश को अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है तो इस। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए लंबा गांव से कुलवंत शर्मा की रिपोर्ट। सदाना डेंटल क्लिनिक एंड कंप्लीट डेंटल इम्प्लांट्स, डॉक्टर आशीष सदाना, USA ट्रेन्ड MDS, ओरल एंड मैक्सियोफेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, डिप्लोमेट एंड गोल्ड मेडलिस्ट डूइंग इम्प्लांट फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। सदाना डेंटल क्लिनिक इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक विद लेटेस्ट मशीनरी। डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फिक्स ब्रेसिस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक RCT, पेरियोडोंटिक्स स्पेशलाइज्ड डेंचर्स लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम USA, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर्स, यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है, हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है, इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है, हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।